लेकिन बात ये आती है, मेरे अंदर मान लो रजो है, तमो है, तो भी सतो लेकिन लेके कैसे आए फिर? कोई कैप्सूल आता है क्या इसका? कोई ये सतो को नहीं कैप्सूल खाइए पराठे से पहले, पराठे के बाद, तो फिर आपका सतो को मर जाएगा। भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो 9 गेट्स हैं, इन पे आप जो सा गुण एक्सपोज करोगे आप उसी गुण से प्रभावित हो जाओगे। 9 गेट्स कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बॉडी में 9 गेट्स हैं। नीचे के दो दो द्वार हैं, उससे आप कुछ ले नहीं सकते, वहां से तो आप सिर्फ निकालोगे। लेकिन अगर आप सात्विक लोगे तो नीचे से सात्विक ही निकलेगा। आप चटकालेदार मसालेदार चीजें खाओ, पायस की मारी, क्लियरिंग नहीं हो रही, कहते हैं लो जी आप क्लीन नहीं हो रही, चलो खाओ बेटा पपीता दो उनको, पपीता पपीता खिलाओ उनको कुछ, लेकिन इनको ये सब गोल खिलाओ इनको, इनके थोड़े निकले भाई साहब, कहते हैं क्या करें जी, जाता तो है निकल नहीं पाता है, बहुत मुश्किल है साहब। मार्केट में पेट सफा ये सब गोल इतने मार्केट में आए हुए हैं आजकल, आप देखो सप्लाई किसकी होती है? जिसकी डिमांड होती है। ये इतने क्यों आए? क्योंकि लोगों की क्लियरिंग ही नहीं हो रही आजकल, निकलता ही नहीं लोगों का। आज हुआ ही नहीं जो कुछ, आज हुआ ही नहीं, दो दिन हो गए कुछ हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। अब सात्विक लोग सुबह क्लियरिंग होती है 1 सेकंड में, 1 सेकंड, दैट्स इट। 2 मिनट आपने हमने क्लियरिंग की, 3 मिनट में एक्चुअली, 2 मिनट में यू आर आउट। कुछ लोग 15 मिनट लगाते हैं, कहते कब निकलना है? हाँ जी बस चल रहा है, काम चल रहा है अभी। ये जब खाएंगे रजोगुण तमोगुण तो नीचे कौन सा गुण आ जाएगा? वही तो आएगा, क्लियरिंग ही नहीं होती लोगों की, साफ सफाई नहीं हो रही थी, होती ही नहीं। तो खाते हैं फिर हरी तक ही खाते हैं, कहते हैं कुछ करो जी, बड़ा मुश्किल है। और तो दैट मीन्स बॉडी के 9 गेट्स में आप कौन सा गुण एक्सपोज करते हो। जैसे आप कंप्यूटर में क्या होता है, आप जो USB पोर्ट्स हैं, USB पोर्ट में आप जो सी ड्राइव डालोगे वही तो इमेज आएगी कंप्यूटर के अंदर, जो पेन ड्राइव से डालेंगे, राइट? तो जितने भी क्या है, ये USB पोर्ट्स हैं, USB पोर्ट्स हैं। तो ये इसमें सतोगुण रखेंगे तो हार्ड डिस्क में क्या आएगा फिर? सतोगुण। तो इस तरह से हमें सेंसेस को सतोगुणी चीजों में लगाना चाहिए, उससे फिर हमारा सतोगुण बढ़ता है धीरे धीरे।